हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले, और ये है हमारा होटल रूम। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट हमारा रेडी है। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम जाएंगे शांति स्तूपा, और पीछे का नज़ारा देख लो, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पीछे हमको जाना है शांति स्तूपा के लिए। फिलहाल यहाँ से अभी निकलते हैं, सबसे पहले जाते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं, और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। रूम लॉक कर दूँ एक बार, और अब मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। कैब भाई पहुँच गए हैं। एक्चुअली वो क्या है, शांति स्तूपा नहीं जा रहे हैं, सिर्फ मैं जा रहा हूँ। तो चलते हैं यहाँ से। क्या क्या आ गया? ये है अपना पनीर पराठा, आलू पराठा, और वो है ब्रेड सैंडविच। चाय और आ जाए, फिर चलते हैं। कैब भाई एकदम रिलैक्स मोड में है, कह रहे शांति स्तूपा होके आ जाओ, उसके बाद चलेंगे। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, हम यानी कि सिर्फ मैं निकल रहा हूँ, कैब भाई नहीं। कैब भाई है रूम पे शांति स्तूपा के लिए, और शांति स्तूपा है यहाँ से 1.8 किलोमीटर, और टाइम दिखा रहा है 15 मिनट। और शांति स्तूपा लेह के बहुत पास में है, और थोड़ा सा चढ़ाई पे है। कोई मार्केट नहीं खुला, टाइम हो रहा है 11:05। बाइक चल चुकी है अपनी 5460 किलोमीटर। ये सारे होटल सब बंद थे रात में, लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा, हमने कई जगह पे ट्राई किया, कहीं नहीं मिला, तब जाके उस होटल में रुके थे। वो भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, सर्विस वगैरह सभी कुछ अच्छी है। आज का दिन हमने इसीलिए रखा था जिससे कि हम लोकल घूम सकें। कहीं भी आप घूमने जाते हैं तो लोकल को एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। धीरे धीरे मार्केट खुल रहा है यहाँ पे। कल अपने को जाना है खारदुंगला, जो कि आप देखोगे नेक्स्ट ब्लॉग में। परसों जाएंगे हम लोग पैंगोंग। शांति स्तूपा जाना था, ऐसे ही जाएगा शांति स्तूपा, इधर से ही। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है यहाँ पे इस समय। ये घर बहुत अच्छे लग रहे हैं, व्यू। इस एरिया में आके थोड़ा सा 3D8 की याद आ गई, और यहाँ पे रेंचो स्कूल भी है। यहाँ पर जितने टूरिस्ट हैं मोस्टली गाड़ियाँ, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हरियाणा, दिल्ली, यूपी और पंजाब की हैं। ओके, वहीं से आप राइट साइड जाना है, आप वहीं तक शांति स्तूपा जाना है ना आपको? हाँ हाँ। तो ये कैब उस वहाँ पर ड्यूटी वाले हैं, उसको दे देना। यहाँ से सीधा जगह एक ही है, वो ट्रैफिक वाले एक ही है, यहाँ से सीधा जगह टी चौक से एक ही है। सो ये ट्रैफिक पुलिस में थी, उनसे पूछा था मैंने शांति स्तूपा का रास्ता, तो उन्होंने बताया। और ये कैब दी है, उनकी कोई फ्रेंड होगी, वो भी ट्रैफिक पुलिस में ही है, सो बोला उसको दे देना। सो जब से लद्दाख यूटी बना है, आप देखेंगे वो JK और ये LA। सो यहाँ की लोकल, अब जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं उनका नंबर LA के नाम से है, बट जो पुरानी गाड़ियाँ हैं जैसे पुलिस की भी हो गई या किसी की भी, वो सब JK के नाम से। तो जो आर्मी की गाड़ियाँ होती हैं उनके स्पेशल नंबर होते हैं। देखिए इस तरह का नंबर आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ ये आर्मी की गाड़ियों का नंबर होता है। फाइनली हम आ गए हैं शांति स्तूपा, लद्दाख शांति स्तूपा। यहाँ से एंटर करते हैं, और वो रहा सामने शांति स्तूपा। क्या बात है यार, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के, वाह वाह। शांति स्तूपा के ऊपर से पूरा ले सिटी आपको नज़र आएगा। चलते हैं ऊपर, फिर दिखाता हूँ। और अभी मैं मार्केट नहीं गया हूँ, ले मार्केट जाऊँगा तो एक फ्लैग लूँगा बाइक के लिए, जो कि यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है। यार ये कैब देना तो भूल ही गया। तो ऊपर शांति स्तूपा और नीचे ले सिटी, बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है। सामने देखिए, कहीं धूप कहीं छाव, कुछ माउंटेन्स बहुत ज़्यादा ब्लैक है, कुछ पे शाइन पड़ रही, कुछ गोल्डन कलर के, मतलब हर पहाड़ का अलग कलर है। यहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंट कलर, ऊपर डिफरेंट, उधर ब्लैक, इधर डिफरेंट कलर, इधर गोल्डन, बहुत ब्यूटीफुल व्यू है। शांति स्तूपा से एंट्री करने के बाद यहाँ से एंट्री करेंगे, यहाँ पर आपको टिकट लेनी है 30 रुपीज़ की, और ये एंट्री है, यहाँ से अंदर जाएंगे। आप देख रहे होंगे पूरा ले सिटी, ये देखिए बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है यहाँ से, पूरा ले सिटी आपको यहाँ से दिख जाएगा। ये जो माउंटेंस हैं ये वाले, यहाँ पे स्नो फॉल हो रखा है, और ये जो माउंटेंस हैं यहाँ कोई स्नो फॉल नहीं हुआ। बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ से, एक राउंड लगाते हैं। नीचे लिखा हुआ था किसी जैपनीज बुद्धिस्ट ने इसकी स्थापना की थी, यानी कि इसको बनवाया था। क्या बात है, शानदार यार। कल रात में आते हुए मैंने आप लोगों को दिखाया था, लेह एयरपोर्ट वहीं पास में ही था। ये सामने यहाँ पर ये रनवे बना हुआ है, सो ये लेह एयरपोर्ट है, और ये पूरा आपका लेह सिटी
वो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। इधर देखेंगे ब्लैकिश है, इधर डिफरेंट डिफरेंट कलर के माउंटेन्स है, और ये शांति स्तूपा बहुत ही ब्यूटीफुल लैंडस्केप है। यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है। फिलहाल अब हम जा रहे हैं ऊपर, एक बार देखते हैं, राउंड लगाते हैं। डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लामा। तो यहाँ पे बुद्ध जी की बहुत सारी अलग अलग पोस्चर में पिक्चर्स बनी हुई है। ये इनके बर्थ के रिलेटेड यहाँ पे दिखाया गया है। अच्छा है यार, बहुत खूबसूरत बना हुआ, बहुत मज़ेदार है। और यहाँ से आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन चल रहा है कुछ जगह पे। चलते हैं यहाँ से। यहाँ पे लिखा हुआ लद्दाख शांति स्तूपा 3609 मीटर की हाइट पे है। इसको बनाया था जापानीज फ्यूजी गुरुजी, फाउंडर ऑफ निपोजन मेओजी बुद्धिस्ट फ्रॉम जापान। और इन्होंने ऐसे बहुत सारे स्तूपा बनाए हैं पूरे वर्ल्ड में, ये लिखा हुआ है। और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं, कुछ लोकल्स के भी हैं, और बाकी नोएडा दिल्ली और NCR साइड के बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हैं, बाइकर्स बहुत ज़्यादा हैं। सो बहुत अच्छा प्लेस है एक्सप्लोर करने के लिए। अब पता चला यहाँ आके कि लेह लद्दाख को ड्रीम डेस्टिनेशन क्यों कहते थे। मैं आपको कैमरे से कुछ चीज़ें तो दिखा सकता हूँ, बट इसकी ब्यूटी को जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा, ये मुझे पता है। और इसकी नेचुरल ब्यूटी को देखने के लिए आपको यहीं पे आना पड़ेगा। फाइनली अब निकल रहे हैं यहाँ से, बाय बाय शांति स्तूपा, बैक टू ले। बहुत ही बढ़िया है। और ये है मेडिटेशन सेंटर, यहाँ पे आप आके मेडिटेट भी कर सकते हैं। ऊपर देखिए आर्मी का हेलीकॉप्टर जा रहे हैं दो। यहाँ पीछे ही जो ले एयरपोर्ट है वो आर्मी के लिए भी है और सिविलियंस के लिए भी है, एयरपोर्ट काफी पास में है। फिलहाल निकलते हैं यहाँ से। और यहाँ पे हर जगह से टूरिस्ट आए हुए हैं, महाराष्ट्र से भी हैं, तमिलनाडु से भी, हर जगह से, क्योंकि लेह लद्दाख ना सबका डेस्टिनेशन है, सबको पसंद है। और मेरा प्लान था ऊपर टाइम लैप्स लेने का, बट ऊपर टाइम लैप्स लिया नहीं, नीचे जो लिया उसमें क्या है कि क्लाउड्स मूविंग है ही नहीं, तो बहुत अच्छा टाइम लैप्स नहीं आ रहा है। और जगह की छोटी छोटी रोड में घूमने में, बाइक चलाने में, और यहाँ पे बाइक चलाने में एकदम डिफरेंट है। मतलब जो हिमाचल और बाकी अदर प्लेसेस में था ना, उससे कम्प्लीटली डिफरेंट है। मूवीज़ वगैरह में देखा था, कुछ उस तरह की फीलिंग आ रही है, कुछ उस तरह के ही ये प्लेस लग रहे हैं। शांति स्तूपा जाना है, इधर जाना है। आप लोग नीचे ले से आ रहे हो, ले का यही रास्ता है ना? ठीक है। सो आप लोगों में जिसको नहीं पता उसे मैं ये बता दूं कि जो गलवान घाटी वाला इशू चल रहा था चाइना के साथ इंडिया का, वो गलवान घाटी भी यहीं पास में ही है, पेंगोंग के थोड़ा सा दूर है। और हम वहां पर जाएंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। बट हम एग्जैक्ट गलवान घाटी तो नहीं जाएंगे, बट हाँ हम पेंगोंग लेक जाएंगे। कल का हमारा प्लान है खारदुंगला, जो कि आपको मिलेगा देखने को नेक्स्ट ब्लॉग में। यहाँ पे कोई ट्रैफिक पुलिस में लड़की है क्या, उसको कैब देने? एक्चुअली हुआ क्या था, जब गया था ना तो मुझे कोई यहाँ दिखा भी नहीं, और मेरे माइंड से भी स्किप कर गया था। सो आते हुए मैंने इसीलिए टैंक बैग से निकाल के बाद में फिर यहाँ रख ली, जिससे जाते हुए ध्यान रहे। क्या खूबसूरत जगह है यार, काश हर साल आने को मिल जाए लद्दाख। आई लव लद्दाख। ये है ले मार्केट, यहाँ पे आपको होटल्स भी मिल जाएंगे, मार्केट भी है। बट जो आइकॉनिक ले मार्केट है वो पीछे है, वो हम आज चलेंगे अभी, क्योंकि हमारे होटल से तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। इसको देखने के बाद ना कुछ कुछ तिब्बतियन फीलिंग आ रही है कि हाँ इस तरह के तिब्बत में होते हैं। और ये जो रोड है, ये रोड जा रही है खारदुंगला 39 है, यहाँ से दीक्षित है 118। सो कल हमको जाना है दीक्षित, पैनामिक लेक 150, इसी रूट से कल हम जाएंगे। फिलहाल हमें इस गेट पे, बहुत अच्छा गेट लग रहा है। लेह में ना तिब्बतियन कम्युनिटी बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा रूट भूल गया था एक्चुअली, क्या है यहाँ पे एक शांति स्तूपा जाने का रूट अलग था, और आने के लिए वन वे है कई जगह पे। आगे अपने होटल पे, ये अपना होटल। कल मैंने क्या किया था कि जब यहाँ पहुँचा था तो बाइक के साथ होटल की एक फ़ोटो लेके इंस्टाग्राम पे डाली थी। सो वही फ़ोटो देख के फिर मैंने देखा होटल का नाम, और उसके बाद अब हम लोग आ गए। होटल बहुत अच्छा है, काफ़ी सही होटल है। अच्छी चीज़ ये किचन सर्विसेज है, कल हमको मिल गई थी, नहीं तो गड़बड़ हो जाती। भूख बहुत लग रही थी, मेरी आवाज़ कुछ गड़बड़ हो रखी है। सो
शांति स्तूपा से लौटने के बाद थोड़ी देर रूम पे रुका था, अब हम निकल रहे हैं अपनी सेकंड डेस्टिनेशन मैग्नेटिक हिल के लिए। मैग्नेटिक हिल, पत्थर साहिब गुरुद्वारा और हॉल ऑफ फेम, हम कल रात में उसी रूट से होते हुए आए थे जहाँ पर वो हैं। नाइट बहुत ज़्यादा हो गई थी इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे हम, बट आज दिन में हम इसीलिए जा रहे हैं कि जिससे कि अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें और आपको भी दिखा सकें। तो लेट नहीं करते हैं, चलते हैं फटाफट क्योंकि टाइम एज यूजुअल 2:42। निकलते हैं यहाँ से और अब आपसे मिलते हैं बाइक पे रोड पे।